नगर परिषद के डंपिंग ग्राउंड को कल रात में आग लगने से शहर में धुआं फैल गया। नागरिकों ने शहर के बाहर डंपिंग ग्राउंड को हटाने की मांग की है। हिंगनघाट शहर में नगर परिषद द्वारा पांडुरंग महाराज मठ के पास एक डंपिंग ग्राउंड स्थापित किया गया है। यह शहर भर के कचरे को डंपिंग ग्राउंड पर फेंक दिया जाता है। बुधवार की रात को अचानक यहाँ के कचरे को आग लग गई और देखते ही देखते आग ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। आग से धुआं शहर के कई हिस्सों में पहुंच गया। नगर परिषद के मुख्याधिकारी अनिल जगताप, नगर सेवक नरेश इवनाते, नगर सेवक धनंजय बागने और अन्य अधिकारी और पदाधिकारी डंपिंग ग्राउंड पे पहुंच गए और आग को बुझाने के लिए दमकल दल को पाचर किया और आग को काबू में लाया गया। लेकिन ये डंपिंग ग्राउंड में हमेशा ही आग लगती है, तब इस आग से निकलने वाला जहरीला धुआं जनता के स्वास्थ्य के लिए प्राण घातक साबित हो रहा है, जिससे नागरिक और शहर की जनता ने शहर के बाहर डंपिंग ग्राउंड को हटाने की मांग की है। कोणती कारवाई केली नाही। 14 जानेवारी 19 चा अर्ज आमच्या जो लोक सहीचा पहिली आग आमचे 10 जानेवारी 19 लागला 19 ला। मानवाधिकार वुमन राईट अध्यक्ष या नात्याने आजच्या प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनाची ज्या शासनानं त्यांना मदत केली पाहिजे, स्वास्थ्य याच्याकडून जे सरकारकडून निधी घेत असतात ते, पण अशा पद्धतीचं कोणतंही कार्य केलेलं नाही आहे। वारंवार इथल्या लोकांच्या तक्रारी देऊनही त्याचा पाठपुरावा केल्यानंतरही यांनी कोणतेही दुर्लक्ष करत आले आहे, डोळे झाक करत आले आहे। याच्यामुळे प्रत्येक मानवांच्या इथं राहणाऱ्या लहान मुलं असो महिला असो प्रत्येकाच्या आरोग्याला धोका निर्माण झालेला आहे। असं असताना सुद्धा उद्या याच्या आरोग्याची कुठं जर नुकसान झाले याची प्रत्येक शासनाच्या प्रत्येक अधिकाऱ्यानं स्वतः परतफेड केली पाहिजे, हे त्यांची जिम्मेदारी आहे। आणि हे जर त्वरित जर करत नसल तर इच्छा पद्धतीनं प्रत्येक माणसाचा स्वास जसा कोंडल्या जाईल, तर त्या पद्धतीनं शासनाचे जेवढीही यंत्रणा आहे हे इथं रोखल्या जाईल। बीसीएन न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवी येनुरकर की रिपोर्ट।